कि मैंने जिक्र किया था कि अवध क्षेत्र की 118 में से 97 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी 2017 के चुनाव में, लेकिन सवाल यही कि इस बार की होली कौन खेलेगा? क्या इस बार की होली बीजेपी खेलेगी या फिर रंगों का जश्न समाजवादी पार्टी मनाएगी? तो मेरे साथ दो खास मेहमान है। बीजेपी के साथ मैं सवाल शुरू करना चाहूंगी। रामलाल अकेला जी, जिस तरीके का बयान आज चरणजीत सिंह चन्नी ने दे दिया है, और क्योंकि मैं रायबरेली में खड़ी हुई हूँ, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है, क्या लग रहा है कि वो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा? यूपी के लोगों की, बिहार के लोगों की बात की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राष्ट्रवाद की बात किया है और राष्ट्र को मजबूत करने की बात किया है, इसीलिए आप समाजवाद छोड़ के राष्ट्रवाद के साथ आ गए हैं। देखिए, समाजवाद की बात तो इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ कि समाजवादी जो पार्टी का इतिहास है, बेटे का बाप पे भरोसा नहीं, बहू का जेठ पे भरोसा नहीं, चाचा का भतीजे पे भरोसा नहीं, तो उत्तर प्रदेश की जनता का अखिलेश पे भरोसा नहीं, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के आया हूँ। मतलब समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आप नहीं गए बीजेपी में, बल्कि आपको उनकी नीतियां अच्छी लगने लगी। छोटा सा रिएक्शन आपसे जी। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अवध में बीजेपी ने 2017 में प्रदर्शन किया था, क्या आप उस तस्वीर को बदल पाएंगे? और चरणजीत सिंह चन्नी जो बात कर रहे हैं, उससे क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसको दिल पर लेकर आपका फायदा हो सकता है इससे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी बचा खुचा वोट बैंक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के दम पे समाज उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।